हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शेल्टर क्लासेस। आज हम आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री पोर्शन से चैप्टर 7 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में 5 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और टोटल आप लोगों के सामने होंगे ये 10 क्वेश्चंस। और अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अब आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगी किस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा पार्ट 1 के बारे में, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 1-5। साथ ही साथ आप लोग यहां पर मेरा साइंस की वीडियोस भी चेकआउट कीजिए, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेपरेट कोर्सेज बनाए हैं और हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनका लिंक देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाउ डिड चाइना रिमेन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम? कैसे चाइना बहुत लंबे समय तक एक मेजर प्रोड्यूसर रहा प्रिंटेड मटेरियल का? क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हुआ चलूंगा और उसके बाद मैं इसके सभी आंसर्स की बात करूंगा, ताकि आप लोगों ने जो प्रिपरेशन की है आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए पहले इन सभी क्वेश्चंस के आंसर सोच सकें, और उसके बाद जब मैं आंसर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप अपने आंसर्स चेक कीजिएगा और साथ ही साथ नए पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सीबीएसई का आंसर आपको किस तरीके से लिखना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंट कल्चर इन जापान? अब आपको यहां पर प्रिंट कल्चर जो जापान में था बहुत स्टार्टिंग के टाइम पर, उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल। पहली जो फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल थी जिसे प्रिंट के थ्रू बनाया गया था, उसके फीचर्स के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन चाइना। अब डेवलपमेंट के बारे में बताइए कि कैसे कैसे डेवलपमेंटल चेंजेस आए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में चाइना कंट्री के अंडर। क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। अब यहां पर आपको बताना है डेवलपमेंट ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। तो ये हुए मेरे पहले 5 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इनके आंसर्स की। आप लोगों ने जो आंसर्स बनाए हैं या सोचे हैं उन सभी आंसर्स को चेक कीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो फास्ट लग रही होगी, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर सोचिए और हर एक चीज को दोबारा से याद करने की कोशिश कीजिए। तो आंसर्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वो आपको मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पर लेकर जाएगा। वहां से आप सभी वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और अनअकैडमी से ही आप मेरी वीडियोस के हर एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो देखना होगा। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, उन कॉइन्स से आप वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल होंगे आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है विशाल त्यागी, मुझे हर एक चीज के लिए फॉलो कीजिए, एनरोल रखिए अपने आप को, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ पार्ट 2 के बारे में, जहां पर मेरे सामने आएंगे क्वेश्चन नंबर 6-10। तब तक के लिए आप जितने हिस्ट्री के चैप्टर्स अभी तक आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी को अच्छे से याद कीजिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के लिए अवेलेबल 24 घंटे के लिए, ये पूरी सर्विस मिलती है आपको। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम हो आप किसी भी टाइम हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नोट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अब आप बिना किसी टेंशन के कूल माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हर एक चीज को रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ साइंस का कोर्स भी अच्छे से देखते रहिए।